ये जो आप शॉर्ट देख रहे हैं ये इस कहानी की अंत है। इस कहानी की शुरुआत होने वाली है इंस्टाग्राम से और ये कहानी का जो मेन मूवी है वो आएगा यूट्यूब पे। सो यूट्यूब क्या हाल है, मजे में हो? काफ़ी लंबा चलेगा तुम्हारा और हमारा जर्नी साथ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है और मैं MCX में ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम अ स्टॉक ट्रेडर। बेसिकली आप समझे तो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट अलग अलग होता है। नॉर्मली हमारे देसी लैंग्वेज में जिनको नहीं पता वो एक स्टॉक ट्रेडर बहुत आसानी से समझ लेते हैं। और मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में कॉमेंट आएगा कि तू 22 साल का नहीं लगता और तू ट्रेडर नहीं लगता, तू बहुत मोटा लगता है। नंबर वन, मैं शक्ल से ट्रेडर नहीं लगता और मैं लाइफ स्टाइल से शायद लगता होगा, मुझे नहीं पता। उम्र से मैं बिल्कुल भी 22 साल का नहीं लगता और मैं मोटा लगता हूँ। मैं इन सभी चीज़ों से मैं अग्री करता हूँ, देर इज़ नथिंग टू डिसअग्री, जो है वो है। बट इस वीडियो की मेन टॉपिक ये नहीं है, बात ये है कि मैं गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर से मैं जा रहा हूँ लद्दाख। तो लद्दाख के ट्रिप, अभी का जो माहौल है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का आपको बहुत अच्छे से पता है। आज का डेट है 7th of August 2019। जो ये वीडियो बाद में देखेंगे उनको पता रहेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं और इस माहौल में मेरे क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, आई कॉल देम फैमिली बाय द वे, आपको नहीं पता तो मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर का हूँ, उनके काफ़ी मैसेज आए कि मोहित अपने ट्रिप को कैंसिल कर दो, कुछ महीनों के बाद चले जाना, अभी सेफ नहीं है। बट मैंने साफ साफ समझाया कि वो अमरनाथ या फिर श्रीनगर के रूट से अगर कोई लद्दाख जा रहे हैं वो उनके लिए शायद सेफ ना हो, लेकिन हम अगर मनाली से जा रहे हैं तो हमारी ट्रिप बहुत सेफ है और बहुत फन होने वाला है। तो कल का डेट है 8th of August और मैं 8th August को निकल रहा हूँ दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पे मेरे क्लाइंट आएंगे मिस्टर अजय कुड़वा। अजय कुड़वा जी को आप नहीं जानते होंगे, 2 साल पहले ये मेरे क्लाइंट थे, ये मेरे से एडवाइसेस लेते थे, लेकिन आज ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में। और इनका और मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ था यूट्यूब से और आज हमारी रिलेशनशिप पहुँच गई दोस्ती पे। ये हमारी पहली मुलाकात है, आज तक हम मिले नहीं हैं, हम पहली बार मिल रहे हैं दिल्ली में और हमारी जर्नी शुरू होगी लद्दाख ट्रिप के साथ। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि अभी मैं गाड़ी से निकला हूँ, ये मुझे एक शॉट में लेना है ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ। मैं निकला हूँ अपनी आधार कार्ड की प्रिंटआउट निकलवाने, एक्चुअली मेरा आधार कार्ड खो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये इस यूट्यूब चैनल पे तो मैं ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ, ऐसे ब्लॉग्स ज़्यादा डालता नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। और बहुत लोगों ने पूछा कि मोहित जी कितना एक्सपेंस आ रहा है, कैसे एक्सपेंसेस आ रहे हैं और कितने दिन का ट्रिप है। देखिए मेरा ट्रिप शुरू हो रहा है 8th of August से, लेकिन एक्चुअली मनाली से शुरू हो रहा है असली सफ़र और वो ख़त्म होगा मनाली पे ही। तो 10th of August को मेरी ट्रिप शुरू हो रही है और 18th of August को मेरी ट्रिप ख़त्म हो रही है। 9 दिन की ट्रिप है और ये 9 दिन के ट्रिप में मेरे को एक्सपेंस आ रहा है अराउंड 65,000। आप समझ सकते हैं, ये मैं बहुत लोग इसको शो ऑफ ले सकते हैं लेकिन ये शो ऑफ नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ अराउंड इतना एक्सपेंसेस आ रहा है। और इस ट्रिप को मैंने हाँ भी इसीलिए बोला है, मैंने रक्षाबंधन को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस ट्रिप के लिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं इस ट्रिप के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं, वो ये है कि इस ट्रिप में नंबर वन बहुत सारे पैसे लगते हैं, नंबर टू इस ट्रिप के लिए आपको 2 वीक्स का अपने काम से लीव लेना पड़ेगा जो कि सबके लिए बस की बात नहीं है। तो अजय जी ने मैसेज किया कि मोहित जी आप चलेंगे? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला सोच लीजिए, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला चाहे मैं जूते रगड़ लूँ, लोगों से पूछ पूछ के मर जाऊँगा, कोई मेरे साथ लद्दाख जाने को रेडी नहीं होगा, 2 हफ्ता कोई अपना काम क्यों बंद करेगा भाई। तो जब मेरे को सामने से मेरे फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंट कह रहे हैं मोहित जी मैं जा रहा हूँ, बाय द वे ये जो ट्रिप है, ये जो ट्रिप है ये 25 लोगों की ट्रिप है, रॉयल इनफील्ड से हम जा रहे हैं, बुलेट 500 cc। एंड बाय द वे जिनको नहीं पता, मैंने हिमालयन ख़रीदी है रॉयल इनफील्ड की, बट उससे मैं ये सफ़र शुरू नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता था पहले ट्रिप इतनी ख़तरनाक है और मैं अपनी प्यारी सी बाइक को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तो ठीक है, बात ख़त्म करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ आधार कार्ड प्रिंट करवाने। आधार कार्ड प्रिंट करवा के मैं आपसे मिलता हूँ और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ पे सारे अपडेट्स, सारे सफ़र की, आप भी मेरे साथ सफ़र का मज़े ले सकते हैं, आपको फ़ील आएगा, आपको मैं शेयर करूँगा अपने सारे ट्रिप्स के एक्सपीरियंसेस, मुझे क्या फ़ील हुआ, कितना मज़ा आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या आपको आसानी आ सकती हैं, और अगर आपको अकेले आना हो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगा आपको। ठीक है जी, चलिए आप ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे, और दुआओं में याद रखिएगा कि हमारे सफ़र उतनी ही मज़े की हो जितने की मैं सपना देख रहा हूँ।
और मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, लग नहीं रहा होगा बट मुझे बुखार है अंदर से और कल ही मुझे जाना है, और मैंने दवाइयाँ वगैरह लेके काफ़ी अपने आप को हेल्दी रखा है। और